सर्दी कड़ाका की वही है। इसका वास्ते उज्जैन का कलेक्टर साहब ने शुक्रवार की पहली से आठवीं तक का सगड़ा स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। सरकारी भी और प्राइवेट भी। इसका साथ आंगनवाड़ी उनकी भी छुट्टी घोषित हुई की है। नवीं से बारहवीं तक का स्कूलों की छुट्टी नहीं है वो न सगड़ी परीक्षा भी अपनी जगह होगा। चलो मना है आज का गणपति। अपना उज्जैन में भी क्राइम ब्रांच की टीम दो गज फाड़न 20 गज बता रहे गया नरा दंड उनसे यो चली रियो चिंदी इकट्ठी करी का बजाज खड़ा उसे खोला मनो कोई बड़ा भारी नार मारी रखियो। मंगलवार रात जीवाजीगंज खड़ा शास्त्राबाद की गली का माँ एक मकान पर दबिश दी। यहाँ से 3 क्रिकेट का सटोरिया उन पकड़िया। इनका कड़े से 83,000 रुपया मिलिया। 8 मोबाइल एक रिकॉर्डिंग वाली मशीन ने कैलकुलेटर मिलियो। मंगलवार रात को मामलो बुधवार सांझ तक अशोक धरी रखियो जो ना कोई दाऊद इब्राहिम धरी लियो है। नीचे वाला पुलिस वाला भाई उनका फोन लगा तो वीक्य का साफ बताएगा ये 80-90 हजार का सट्टा जुआ वाला उनके तो हमारा राम अवतार दद्दुन प्रमोद भदौरियान विनका हरी का दूजा पुलिस वाला उन ये अकेला उठाई लाता था। 6 फिटिया अकेला लट का साथ आरक्षक उन्हें 5-6 के घेरी लेता था। आई सटोरिया उठाओ मई पुड़िया बाज बस यहाँ तक रहेगी क्राइम ब्रांच की आवाज। कई तो अशोक करो IPS साहब 2-4 अंधा कतल उनको हिजाय पर्दा फांस। घटिया थाना क्षेत्र में निपाणिया कने बुधवार रात तक ऐसी घटना हुई गई जिसका बारे में जिनने भी सुनियो वो धक्क रह गयो। दो सगा भाई उन मजूरी से पाछा घर लौटी रहा था दो ही बस का पहिया उनकी चपेट में आई के मौका पेच खत्म हो गया। बिरमखेड़ी गांव को जितेंद्र ने विको छोटा भाई तेजाराम ये दो निपाणिया कुरकुरा कारखाना में काम करता था। रात 8 बजे कारखाना छुट्टी हुई तो दो भाई साथ पाछा घर जा रहा था। निपाणिया कने दो के बस ने लपेटा में ले लिया। ये कुरकुरा फैक्ट्री से जा रहे थे घर पे छुट्टी हुई थी उनके 8 बजे और 8:15 बजे करीब उनका एक्सीडेंट हो गया नेपानिया में। गाड़ी का नंबर मालूम नहीं अभी नंबर याद नहीं। पानी वाला विभाग का कर्मचारी भाई उन बकाया वसूली करने दूध वाला मोहन वासवानी जी डेरी पे पहुंचा काल से बखेड़ो चली रहो। काले PHE वाला उनने मोहन वासवानी इनका छोरा लिखित शिकायत करी थी। इस शिकायत पर अभी तक नजर इनायत नहीं हुई। अबे सोशल मीडिया के जरिए बिना घटनाक्रम को लाइव वीडियो बाहर आई गयो। ये वीडियो मोहन वासवानी कहीं नजर नहीं आई रहा। हाँ विनको पूछ जरूर दिखी रहो। बातचीत सुनोगा थमर जरूर लगेगा कि लोचो तो हुई है। धारा कई लगेगी लगेगी के भी नहीं लगेगी या पुलिस तय करेगी। काले इंदौर में कस्तूर सिनेमा का बाहर बखेड़ा खड़ा हो गयो। हिणा बखेड़ा की आँच अपनाया उज्जैन तक भी आएगी। गया था पिक्चर को विरोध करने मोहम्मद साहब वास्ते भी कजा कई कई बोली आया। अपना यहाँ का भी नरा भाई उनके बुरा लगियो। गुरुवार अपना का मुस्लिम समाज को एक प्रतिनिधि मंडल या जीवाजीगंज थाना पहुंचे TI साहब के ज्ञापन दे के केस दर्ज करवा मांग करी। जितनी भी धाराएं हैं वो सब लगाकर जो हो रहा है तो उसी संदर्भ में हम आज ये मांग करने यहाँ आए हैं कि गुनहगार कोई भी हो किसी धर्म किसी जाति का हो ये देश हम सबका है। गुरुवार के तो उज्जैन वाला उनने बिना टिकट कटा कुल्लू मनाली का मजा ले लिया। शायद ही ऐसा कोई जीव रियो होगा जो भाप को इंजन नहीं बनियो।
सीप का कोठा वाला उन आखा दन सकना बैठा रहा लाल सफेद छाप उन जम के सड़का उनकी खाक छाणी। एक तो छुट्टी को दन ऊपर से मौसम बेईमान कजा कितना घर उनमें बकोड़ा तले गया। रात नीचे को पारो तो 15 डिग्री तक रियो पर दन में ऊपर को जरूर गिर गयो। मौसम विभाग वाला उन बताई रहा 2 दिन बदल ऐसा छाया रहेगा। मारो तो अनुभव यो किया कि मौसम विभाग वाला उन जहाँ पानी बता वहाँ कीचड़ भी नहीं मिले अड़ी वास्ते फोकट टेंशन वेंशन नहीं करनी जो होगा देखे जाएगा। श्रीवास्पद सेन समाज की आखिर टीम ने मड़ी के बसंत पंचमी का मौका पर सर्व सेन समाज रा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करियो। गुरुवार नरसिंह घाट कणा इना सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुए थो अणि मौका पर समाज का वरिष्ठ जन उनको सम्मान भी हो। इना कार्यक्रम का संयोजक वीरेंद्र परमार जी मनोहर जी प्रेम जी बसंत जी ने आखिर टीम ने मेहमान उनकी जम के आव भगत करी। इक्का साथे यो प्रण भी लियो के आता साल आयोजन को और भी भव्य करांगा। शिवनगंज की मंडी में भी दामोदर वंशी जुड़ा गुजराती दर्जी समाज को भी 41वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इन आयोजन में भी आखा संभाग से 20 जोड़ा उन शामिल हुआ था। इसमें से 14 जोड़ा उनके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को भी लाभ दिलायो। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत हमने आवेदन जो दिए थे जनपद में उसमें हमारे 14 आवेदन स्वीकृत करे और बाकी जो 6 आवेदन है वो उन्होंने दर्ज नहीं करे जिससे हमारी कन्याएं मुख्यमंत्री कन्यादान के लाभ से वंचित रह गए। बसंत पंचमी पे रामी माली समाज का भी 26वां सामूहिक विवाह सम्मेलन में 26 जोड़ा उन पढ़िया। इना कार्यक्रम में आखा संभाग से लड़ा लड़ी उन ने इनका रिश्तेदार उन शामिल हुआ था। मालीपुरा धर्मशाला में यह आयोजन हुआ था जिसमें हमारे उज्जैन के आसपास समाज के जो गांव हैं देवास भोरासा इकलेरा ताजपुर तराना आसपास के जो भी पंच से यहां पर आकर और सुबह से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और यह 26वां वर्ष है जिसमें वर वधुओं को दहेज के रूप में 11 बर्तन दुल्हन को। असोज एक और आंदोलन देखी लो। साजापुर का 2 पिक्चर हाल उनका पर्दा पे पठान फिल्म रिलीज हुईगी। इको विरोध करवा वास्ते बजरंग दल वाला भाई उन पिक्चर हाल का भारत बैठक जमाने हुई गया चल्लू हनुमान चालीसा करने। साजापुर के दोनों सिनेमा घरों में हिंदू समाज के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया और हम परम पिता परमेश्वर से ये हमने आग्रह किया कि हे परम पिता ऐसे नरबुद्धियों को सदबुद्धि प्रदान करें ताकि वे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को समझकर इस तरह के आगे कोई कृत्य ना करें। पठान पिक्चर को विरोध तो यहाँ उज्जैन में भी हुए। नाना खेड़ा का पीवीआर का बारे रात हिंदूवादी संगठन का लोग उन पोचन विरोध दर्ज करायो। पीवीआर का बारे पुलिस वाला भाई उन्हें रोक के लियो। नाना खेड़ा का टीए साहब से भेज भी हुई। भारे मुर्दाबाद जिंदाबाद फतेहाबाद करें पाछा लौटी आया। पिक्चर अपनी जगह चलती रही। आपको ही आगे रोकना है उसके बाद अगर कल जो आंदोलन होता है उसकी जो जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। चलो करेंगे इस आंदोलन के वहाँ उसके बाद जवाबदारी आपकी रहेगी। आप ये वीडियो में हमसे बिल्कुल साक्षात बिल्कुल बता दीजिए। तेरह तारीख से चल रहा सरकारी अस्पताल की लेब वाला कर्मचारी उनका आंदोलन के गुरुवार 13 दंड पूरा हो गया। छुट्टी को दंड तो ऊपर से गणतंत्र को त्योहार अणि बहाने सामाजिक न्याय परिसर का आंदोलन का टेंट का माया हनुमान जी के ध्याय लिया सुंदर कांड को पाठ करायो। यो चो यार आंदोलन हो तो सज होना चाहिए। आंदोलन को आंदोलन ने पल्लोक सुधार वक्त तैयारी अलग से। गणतंत्र दिवस का पहला की रात माधवनगर का थाना भी जम के हल्ले हुए। राष्ट्रीय पर्व को मौको तो कोई नहीं चूक्यो। कई सिपाही न कई टीआई साहब देशभक्ति का गाना उन पर सब जना जम के थिर क्या। गुरुवार अगरे बड़ा सरकारी अस्पताल का माए भी डॉक्टर साहब उन नरस बेन उन वारटा कर्मचारी भाई उन सब ने मली के जम के देशभक्ति जगाई। कोई ना गाना गाया कोई ना हाथ पांव चलाया।
स्वस्थ रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, आचार विचार व्यवहार ये अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। आओ वे एक का बाद एक थमारे गणतंत्र दिवस के खबरें दिखाएं। दशहरा का मैदान में हुए मेन कार्यक्रम थमारे दूसरा चैनल उन पर देखने को मिल जाएगा। अपन ठेरिया ठेठ देसी हणी वास्ते जमीन का कार्यक्रम उन पर ज्यादा ध्यान रखा। बक्सी रोड सब्जी मंडी में सवेरा अम्माई भाई उन ने भी झंडा वंदन करियो। गया 10 साल से मंडी का सगड़ा भाई उन मलिक सांस से 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगो फेरा है। सब्जी बेचने वाली बहन उन भी अने आयोजन में शामिल हुई, इन ने भी देशभक्ति गीत उन गया। बेरूगढ़ में भी सिद्धवट का पुरोहित उन्न पुजारी महासभा वाला भाई उन्न सुरेंद्र भाई साहब का साथ मलिक झंडा वंदन करो। अच्छा इनके भी रंगोली बनाओ वास्ते कई रंग लेवा जवाब जरूरत नहीं हो, थाली में रोलिन गुलाल तैयार रहे। गणतंत्र दिवस का मौका पर गुरुवार अवेरा मक्सी रोड निमंडवासा से भव्य तिरंगा रैली भी निकली। मध्य प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री समाज सेवी अजीत सिंह जी की अगुवाई में निकली और रैली में सैकड़ों संख्या में लोग उन वाहन उन पर झंडा लाई के सवार हुआ न देशभक्ति का तराना गाता हुआ निकलिया। आखा रूट को माहौल देशभक्ति वालों बनाई दियो। टावर चौक पर पहुंची के यहाँ रैली विसर्जित हुई। अजीत सिंह जैसा आयोजन उन करता रहे। गया हफ्ता भी हजारी हनुमान मंदिर कने बीमार दुखी लोगों वास्ते इलाज को कैंप लगाया थो। हमूखेड़ी का डॉक्टर अंबेडकर नगर में रहवा वाला लोग उनने भी बाबा साहब की मूर्त का अग्गा तिरंगा लहरायो। शेर का भित्तर आई चुके हैं बस्ती में, नीत तो नाली है, नी सड़क नी बिजली। यहाँ का लोग उन गणतंत्र दिवस का मौका पे जिम्मेदार उनके कई केनो चेहरिया, जरा इनकी भी आवाज सुनो। अंबेडकर कॉलोनी के नाम से कॉलोनी यहाँ स्थापित है, जिनको ध्यान शासन प्रशासन को आईडी कोनी है। यहाँ 220 से 240 परिवार रहे, पर आज तक ना यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया है और ना कोई गवर्नमेंट आई है। आज इस को मैं थोड़ा सा आओ बे आखिर में तुम्हारे गणतंत्र की सच्ची तस्वीर दिखाए। केवा का अपना आजाद हुआ का 75 साल हो गया, गणतंत्र बना 72 साल हो गया। केवा का भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी गयो। झाबुआ जिला का जखड़ामदा गांव को ये वीडियो उन देखी लो। बच्चा उनके रैली निकालने वास्ते ढंग का रास्ता तक नहीं देख पाया हम। किचड़ काचड़ से बचता बचाता नरा तो हिट टेंशन में कर धुली हुई ड्रेस गंदी हुई गई तो घर मम्मी सूत्री लाखेगी। रैली का सत्य चढ़ी रहा मैडम सर उन अलग खड़ा खूचरा कूदता फिरी रहा। जय हो गण के, जय हो गणतंत्र की। पूरा रोड खराब हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में बहुत समस्या हो रही है और बहुत बच्चे तो स्लिप होकर गिर भी चुके हैं। आपने देखी ये बुलेटिन, आपको बुलेटिन कैसा लगी बता दो जरूर। काले फिर हाजिर होऊंगा आपका सबके वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। मारे एवं शेर के दीजिए इजाजत, जय रघुनाथ जी की। और हाँ, न्यूज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूल जाओ।